मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को प्रदेश के लिए खेल नीति को मंजूरी दी गई है। बैठक में स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज्य और करने पर भी मंजूरी दी जाने वाली छूट पर भी मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में खेल नीति को मंजूरी दी गई। इस बैठक में स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने पर भी दी जाने वाली छूट पर भी मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को प्रदेश के लिए खेल नीति को मंजूरी दी गई। साथ ही बैठक में स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने पर दी जाने वाली छूट पर भी मंजूरी दी गई है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अविनाश कुमार जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? अविनाश जी, बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी कैबिनेट की बैठक में आज 22 प्रस्ताव थे, 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसपे 22 प्रस्तावों पर जो मुहर लगी उसमें खेल विभाग को, जो खेल नीति को है, उसमें योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें 22 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई थी। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें खेल नीति को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। जी, अगर बात करें अविनाश, तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो पुराने वाहन है, यानी बैठक में स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने पर दी जाने वाली छूट पर भी मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल, बैठक में जो स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने की पर दी जाने वाली वाहनों पर जो छूट की मंजूरी दी गई है, ये भी बैठक में प्रस्ताव का जो प्रस्ताव था उस पर भी मंजूरी लगी है। जिस तरीके से लगातार योगी सरकार की ये मार्च की पहली बैठक है और इसमें कई ऐसे निर्णय थे जिन पर प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। जी, इसके अलावा अगर बात करें अविनाश, तो खेल नीति को भी मंजूरी दी गई। इस खेल नीति में किस तरह का प्रावधान किया गया है? जिस तरीके से खेल नीति को सरकार ने इस बार ज्यादा तरीके से मंजूरी दी है, उसमें खेल नीति के जो जिले में है वहाँ पे स्टेडियम बनेंगे और कई ऐसे चीजें हैं जो खेल नीति को बढ़ावा दिया जाएगा और कई ऐसी चीजें हैं जो जिलों में बनेंगी, स्टेडियम बनेगा और भी ऐसी चीजें हैं जिस पर खेल को लेकर जो बढ़ावा मिल सके, उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और बैठक में इन सब चीजों के लिए मंजूरी दी है। जी, अविनाश धन्यवाद आपके इस पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। खेल नीति हो या स्क्रैप वाहन हो, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को यहां मंजूरी दी गई है।